I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Without consistency, you'll never finish. So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hashim. Wa alaikum assalam. Acha, apna mic off kar de, main bhi event start karne lagu. Assalamualaikum bhaiyo, Assalamualaikum behno. हमारा आज सेकंड इवेंट है चिट चैट का. तो इवेंट स्टार्ट करने से पहले मैं रेसिटेशन करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको आज का एजेंडा पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम छोटे से क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हम छोटे थोड़े से एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे. तो तलावत कर लेते हैं पहले. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول صدق الله العظيم. अच्छा, आज का हमारा इवेंट इज़ बेसिकली प्लान्ड है. इट इज़ बेसिकली ओरिएंटेड ताकि हम कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे के साथ बातचीत करें. तो अदीम और हाशिम इज़ माय ब्रदर फ्रॉम कनाडा. अदीम इज़ माय फ्रेंड फ्रॉम पिंडी. ही इज़ इन पिंडी आई थिंक दीज डेज. तो बाकी हमारे सदफ और साथ साजिदा, ये हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर्स हैं. तो हम लोग एक दूसरे के साथ ऑलरेडी फैमिलियर हैं, लेकिन क्योंकि ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, तो हमने कहा कि छोटा सा कैजुअल सा सेशन प्लान किया जाए जिसमें हम एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करें. तो बेसिक पर्पस हमारा ग्रुप का बातचीत करना भी है, डेफिनेटली कम्युनिटी है. हमने एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो ही हम ग्रो करेंगे और अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकेंगे. लेकिन उसके साथ हमारा एक और बहुत ज़रूरी पर्पस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गोल सेटिंग. हमने अपने गोल्स सेट करना लाजमी है. जैसे अभी साजिदा बहन है, ये स्कूल के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन अभी हमें डिसीजन नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने उसके स्कूल के ऊपर कैसे परसू करना है, कैसे फॉलो अप रखना है और किस तरीके से हमने उसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करवानी है. सदफ है, डेवलपमेंट कर रही है, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम किसी तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट करें जिसके ऊपर हमें अर्निंग स्टार्ट हो, वो नहीं हो रही. अदीम है, हाशिम है, हम लोग काफ़ी काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये पर्पज़, ये वाला इवेंट हमारा बेसिकली प्लान्ड ही इसी इंटेंशन के साथ है कि हमने इसके अंदर अपने गोल्स डिस्कस करने हैं.
तो हम बहन भाई हैं आपस में, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं हम लोग। हमने बिल्कुल नहीं शर्माना, बिल्कुल नहीं घबराना। जो भी हमारे दिल की बात है वो हमने खुल के एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे एक तो गैप्स भी रिड्यूस होंगे, हमारे प्रॉब्लम्स भी दूसरे लोग शेयर करेंगे, और वो लोग दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो हमारी हेल्प कर सकेंगे। तो इवेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने इवेंट में कुछ क्वेश्चंस लिस्ट किए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस के ऊपर ये आपने एक क्वेश्चन चैरी पिक करना है। मैं उसके बाद 5 मिनट का टाइमर रन करूँगा, जिसके ऊपर बारी बारी हर बंदे को टाइम दिया जाएगा, उसने उस सवाल का जवाब देना है। अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन कंपल्शन कोई नहीं, आप कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इवेंट हमारा क्रिस्प और प्रिसाइज है, लाइक हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वन क्वेश्चन वन आंसर। ये मैंने इसका नीचे छोटा सा लोगो भी बनाया हुआ था कि हमने इस इवेंट को इस तरीके से रखना है कि हर बंदे को 5 मिनट दिए जाएं, वो उसके ऊपर बातचीत करें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और अपनी जो स्ट्रगल्स हैं उसको बड़े ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब ये वो वाले गोल हैं जो मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, लोग इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, समझ नहीं आता लाइफ के अंदर क्या करना है। टीवी है, न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, हर चीज़ है, एक घड़समा मचा हुआ है, भाग लगी हुई है, पेपर्स पास करने हैं, कोर्सेज में पोजीशंस लेनी है, लेकिन क्यों लेनी है क्लैरिटी नहीं है। हर वक्त सुबह से शाम तक काम किए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आंसर होना ज़रूरी है, ताकि ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे सामने आ जाएं और उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस के जवाब ईजीली एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुल के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अदीम मेरे पास लिस्ट में लिखा हुआ आ रहा है। अदीम के लिए बातचीत करना ईजी इसलिए क्योंकि ही डज़ नॉट नो एनी बॉडी। तो उसके बाद सदफ़ बात करेगी, फिर साजदा बात करेगी, फिर हाशिम बात करेगा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हैं कुछ, वो भी कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ आगे पीछे बैठे हैं। अगर आ जाते हैं तो हम उन्हें भी उनसे भी पूछ लेंगे, अगर ना आए तो आई थिंक हम अपने 5 मिनट्स का जो सेशन है इसको यहाँ पे इधर ही क्लोज करेंगे। 20 मिनट्स के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर नो प्रॉब्लम, छोटा सा कंक्लूजन बनाएंगे और इसको इस सेशन को कंक्लूड कर लेंगे। तो अदीन कैन यू हियर मी? Yes. हाँ, क्या हाल है दीन भाई, ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा जो इंट्रोडक्शन है और जो टॉपिक है और जो थीम है, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के समझ आई है या कोई कंफ्यूजन वगैरह? नहीं नहीं सर, समझ आ गई है सर। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पिक करना है और उसका आंसर देना। पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ सर मैं, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? ओके, जबरदस्त। वो बेसिकली मेरा एम जो है वो है एक्सप्लोर करना, तो मैं काफी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ लाइफ के बारे में, उसके बारे में नॉलेज हो गया, तो रीडिंग और ये मेरी हॉबी है, तो मैं पढ़ता भी हूँ चीजों के बारे में और काफी बुक्स वगैरह और चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो मतलब you have to tell us very very precisely what do you want to see, where do you want to see yourself when you hit your 60s? जब आप 60 साल की हों तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का माहौल हो, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इन माय 60s के मुझे अच्छा अवेयरनेस हो लाइफ के बारे में, और जिस तरह अभी हमारे अंदर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी हम कंफ्यूज भी होते हैं चीज़ों के बारे में कि किधर जाना है, कहाँ नहीं जाना। इन 60s में मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट बैलेंस्ड हूँ, मुझे पता हो कि मैंने लाइफ में क्या किया है और लाइफ किस बारे में थी। तो मैं अपने मेंटली सही होना चाहता हूं कि एक सही डायरेक्शन में जाऊं। ज़हनी तौर पे यू वांट के सुकून हो, हर चीज ऐसा अच्छी अच्छी हो, पर ये वाली रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स ना हो, खिंच खिंच, कभी इधर से फोन आ रहा है, कभी इधर से मैसेज आ रहा है,
ये मसले हाँ खत्म हाँ हो, बस अपना ही कोई अच्छा सा बाग हो, लॉन हो, सुकून से काम हाँ करें ताकि सही हाँ मतलब ये हमारा मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारा सुकून हो। तो मतलब डू यू वांट के कोई बड़ा सा घर हो, और डू यू वांट के एक अच्छी सी गाड़ी हो, डू यू वांट के योर दादा पोते भी हो, अब तो नाना भी तुम बन गए हो, मतलब हाँ कि स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि मेरे अकाउंट में कम से कम 25 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो इस तरह की कोई एम मैं बड़ा ना उसको कॉन्साइजली मैं उसको लेबल देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ होगी जब हम 60 साल के होंगे एग्जैक्टली, तो वो क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास डेफिनेटली फैमिली आपके पास अपनी होनी चाहिए 60 में है आपके। उसके बाद आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो सबसे जरूरी चीज है। तो और बाकी उसके साथ बाकी चीजें फॉलो करती हैं। आप अगर पीस ऑफ माइंड अचीव कर लें तो सारी चीजें फिर दे विल फॉल टुगेदर, एंड मेरे ख्याल से आप सब अचीव कर लेंगे उसके साथ, अगर आपके पास पॉजिटिव माइंड है और डिटर्मिनेशन है आपके अंदर और सिंसियरिटी है। आप हर काम जो सिंसियरिटी के साथ करना चाह रहे हैं तो आप हर चीज अचीव कर लेंगे। नो डाउट के अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, वो हर वक्त हर फेज में आएंगे, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप डिटर्मेंट है, तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और हाँ ठीक बस मतलब यू वांट के सुकून हो मोटे ताकि हाँ प्रॉब्लम ना हो, मतलब अच्छा टाइम गुजरे यार। डेफिनेटली ये हर बंदे का है ना दीन, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये हाँ आज की डिस्कशन इसलिए रखी है कि मैंने एक बड़े हमारे मोजेस शख्सियत है, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। ही वॉज गिविंग अ लेक्चर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ एंड हु इज़ योर रोल मॉडल, तो आई वॉज शॉक्ड कि ही डिड नॉट गिव मी अ टू द पॉइंट आंसर। तो टू द पॉइंट आंसर भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो टू द पॉइंट आंसर होगा तो फिर हम उसके लिए ना वो स्कूल में किसी ने कहा कि अपने एम ऑफ लाइफ लिखे, एम ऑफ लाइफ लिखा, टीचर ने कहा अब आपने इस एम ऑफ लाइफ को परसू करना, अब आप वो वाली डायरेक्शन अपनाएं जिससे आप ये वाला एम ऑफ लाइफ अचीव कर सकें। तो बिल्कुल अदीम थैंक यू सो मच यार, अब तेरी असाइनमेंट ये है भाई कि तूने ना मुझे बताना है कि हाउ यू आर गोइंग टू परसू दिस गोल्स ऑफ योर्स, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, ठीक है? टेक सम डेज, थोड़ा सा टाइम सोच इसके ऊपर, और आई स्पेसिफिकली कॉल्ड यू टू दिस इवेंट क्योंकि तू मेरा रूममेट भी रहा है यार, और हमने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा हुआ है। तो मैं मुझे पता है तेरी पर्सनैलिटी कैसी है, और मैं सिर्फ उन लोगों के साथ उन लोगों को स्टेज के ऊपर इन्वाइट कर रहा हूँ जिनकी पर्सनैलिटी का मुझे पता है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे कम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे पेशेंस दिखाया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा और पॉलिश करने की ज़रूरत है, हमारे ना बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, वर्कलोड ख़त्म हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, स्किल लर्निंग आ जाएगी, फाइनेंशियल इश्यूज कर्व हो जाएंगे, तो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स हमारे बड़ा इजीली हल होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। ठीक है बॉस, ओके ओके थैंक यू। अच्छा अभी हमें ना ज्वाइन किया है सर उस्मान ने, सर डॉक्टर उस्मान ने भी ज्वाइन कर लिया है, और साथ उसके सलमान भाई हैं आई थिंक लाहौर से, ये मेरे नेबर के छोटे भाई हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया है, और एक गेस्ट हैं आई डोंट नो, अच्छा गेस्ट इस साल का। तो अभी हम ना जो ऑन बोर्ड हुए हैं लोग उनसे मैं उनको मैं बता दूं कि आज का हमारा सेशन इज़ बेसिकली हमने सब अटेंडी से एक सवाल पूछना है, जिसमें वो इन सवालों में से कोई भी एक सवाल पिक करेंगे और उस सवाल को 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसका फ़ायदा होगा एक तो आपके प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में चल रहा है वो पता चल सकेगा, और दूसरा जो हमारे ये सोशल डिस्टेंस हुआ है ना, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, शायनेस है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट इन लाइन है हमारे साथ सदफ़, तो सदफ़ ने अभी 5 मिनट का, सदफ़ आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो आपने 5 मिनट के अंदर कोई एक इसमें से सवाल पिक करना है और उसका जवाब देना। सदफ़ आवाज़ आ रही है मेरी? आई कैन नॉट हियर यू, एक दफ़ा रूम छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लो अगर समझ रही हो कि इस तरह हाल नहीं हो रहा। सदस्य
leave that home and join back. ओके चलें सदफ का एक मिनट वेट कर लेते हैं. उसके बाद हाशिम है, हाशिम को मैं इसके बाद लूँगा. हाशिम के बाद हैं हमारे पास सलमान भाई. सलमान भाई से सुबह नाश्ते के बाद हमारी एक घंटा बातचीत हुई है, तो बड़ी बहुत अच्छा मुझे माइंडसेट लगा सलमान भाई का. मैंने उनसे डिस्कस किया हम इस कम्युनिटी को कैसे उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक इनिशिएटिव है लोगों की लाइफ को लिफ्ट करना. थोड़ा सा हमने ये ब्रॉडर सेंस में अपनी रेल करवाना है कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अगर हम कुरान के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिटी के अंदर बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ बिल्ड हो जाएंगी. उससे हमें फिर यानी हमने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बीट करना है. हमारे बहुत सारे आगे पीछे प्रॉब्लम्स रोज़मर्रा में हाईलाइट हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन का मैप रिमूव कर दिया, कल बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था. सदफ़ आई कैन नॉट हियर यू. चलो ठीक है सदफ, अभी आपका सेशन स्टार्ट हो गया, आप कंटिन्यू करो. इसमें से कोई एक सवाल पिक करो और शाबाश जवाब दो. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एम ऑफ राइट और व्हाट इज योर रोल मॉडल. अच्छा मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी, व्हाट इज योर रोल मॉडल. अच्छा बेसिकली होता तो ये है कि हम लोग ना अपेरेंटली मतलब जब इमेजिन करते हैं तो हम लोग हर बंदा ये चाहता है, हर बंदे का एक जो आंसर होता है या जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं या जो अपने बड़ों से सुनते हैं, एटलीस्ट मैंने तो यही सुना है कि हमें अपना रोल मॉडल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना चाहिए. ठीक है. अच्छा बेसिकली मैं भी जब इमेजिन करती हूँ ना कि ये चीज़ें हुई होंगी तो उन्होंने कैसे फेस किया होगा, तो वो कितने सब्र उन्होंने किया होगा, कितना उन्हें पेशेंस होगा, या किस तरह से वो लाइफ में मूव की होंगी. मतलब हमारे लिए ये इवन इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि हम कोई एक दिन भी छूट के बगैर गुजारें. मतलब समटाइम्स हम मजाक में छूट बोल देते हैं, कभी हम किसी को तंग करने के लिए छूट बोल देते हैं. मतलब हमारी लाइफ में उनको फॉलो करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको 0.1% भी फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन फिर भी हम लोग जब उनको सोचते हैं कि यार उन्होंने ये किया होगा तो मुझे ये फील होता है कि वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, वही होंगे हमारे. ठीक है. मतलब जो दिल से रोल मॉडल इंसान से वो कहते हैं ना, जिनको देखा हुआ नहीं है हमने, जिनका हमें पता नहीं है, मतलब पता तो है लेकिन जिनको हमने देखा हुआ नहीं है. ठीक है. जिनको हम सिर्फ इमेजिन कहते हैं कि हाँ यार वो होंगे, तो उस लिहाज से तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल कहती हूँ. ठीक है. लेकिन जो अपेरेंटली लाइफ में जितने मैंने लोगों को देखे ना, उनमें मैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत ज्यादा उनकी जब एक ही एक आंसर देना है. हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं. दिस इज़ 5 सेकंड आंसर, दिस इज़ परफेक्ट आंसर. इससे आगे हमें कोई उसको एक्सप्लेन करना नहीं है. उससे आगे ना प्रॉब्लम्स हैं. उसके आगे प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे तो फिर तो वो तो बहुत अफजल शख्सियत हैं, वो तो बहुत सुपर पावर हैं, वो तो सेलेक्टेड हैं, चोजन वन हैं. उस लेवल को पहुँचना पॉसिबल नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो हमने उनकी शख्सियत को ना इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है और उनके पर्पस को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि अब हमें उनका हर किया हुआ काम मुश्किल लगता है. जबकि उनकी लाइफ का मकसद और उनका बताने का मकसद हमें जो भी उन्होंने काम किए वो यही था कि ये ज़िंदगी गुजारोगे इस तरीके से, पैसे भी आ जाएंगे, खुशहाली भी आ जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, होमवर्क भी सॉल्व हो जाएगा, माशरे में इज्जत भी होगी, अच्छे ब्रांड्स भी बनाओगे, गाड़ियाँ भी अच्छी रखोगे, कपड़े भी अच्छे पहनोगे, रात को जल्दी सोया करोगे, सुबह जल्दी उठा करोगे, अच्छे आर्टिकल करोगे. तो हम मतलब मुझे लगता है कि हम उनको 0.1% भी फॉलो नहीं करते. हाँ मतलब हम उन्हें लाइफ में 0.1% भी फॉलो नहीं करते. जल्दी सोना, रात को हम उसके अपोजिट जाते हैं. हम लोग पूरी पूरी रात जाके रहते हैं, सुबह हम 2-2 बजे तक सोए रहते हैं. अच्छा जहाँ पर वो आते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी ट्रेड है, अगर आप बिजनेस की बात करें, आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग उसमें अच्छे तरीके से करें, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उनके ऑपोजिट है. हम लोग कम तोलेंगे, हम लोग कम पैसे लोगों को देंगे, हम लोगों को धोखा देंगे. हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट है कि हाँ सब हम लोग जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पेरेंट एक चीज नजर आ रही थी कि मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो पीस कहाँ है, लोगों को आप धोखे दे रहे हैं, आप लोगों के साथ बुरा करें. वो तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं ना. मतलब हमारे में इंसानियत तो है ही कि हम कभी ये सोच रहे हैं कि यार इस बेचारे इंसान का क्या होगा.
मतलब जो भी उनकी लाइफ है ना, जो भी उनकी लाइफ है, हम डेडली उनके ऑपोजिट जा रहे हैं। वो राइट पे जा रहे हैं तो हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, हम लेफ्ट पे जा रहे हैं तो वो राइट पे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं वो नीचे, हम नीचे तो वो ऊपर। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग किसी तरीके से किसी भी लाइफ में कोई काम ऐसा नहीं है जो हमने उनको फॉलो किया हो। और मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हम सिर्फ एक चीज अडॉप्ट कर लेना कि झूठ ना बोले, तो वो मुझसे भी नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझसे होते थे, वो मुझसे भी नहीं होता। मैं कभी कभी अपने भाई से कोई झूठ बोल देती हूँ, कभी कोई ऐसे मजाक में झूठ बोल देती हूँ, कभी कोई अम्मी की कॉल आ रही हो, मैं बिजी हूँ या मैं कोई आंसर ना कर सकूँ, किसी फ्रेंड को ना कर सकूँ, तो मैं झूठ बोल देती हूँ। मतलब छोटे छोटे झूठ भी ऐसे हैं जो हमारे पूरे पूरे दिन में बन के इतने ज्यादा हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब लाइफ में ना, हमारी लाइफ उनकी लाइफ से हालांकि इतनी दूर चली गई है, इतनी दूर चली गई है कि हम लोग ना, अब मुझे लगता है कि हम पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए वापस आना। मतलब और अगर हम वापस आने की कोशिश करें तो हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो यही है कि कोशिश और अगर दुआ करते रहें तो हो सकता है कोई 1-2% हम फॉलो करने के काबिल हो जाए। अच्छा, ये सदफ ना वेरी गुड आंसर और दिस इज़ द परफेक्ट आंसर। इसके ऊपर मेरी तरफ से जो परफेक्ट रिप्लाई हो सकता है ना, वो ये है कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं ना, लेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट नहीं कर सकता। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि या अल्लाह, मैं हार मान गया हूँ, मैं नहीं उस लेवल को पहुँच सकता जो आपका लेवल है, जो डिज़ायर्ड लेवल है, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल तक नहीं पहुँच सकता, गुनहगार हूँ। कोशिश करूंगा या अल्लाह कि मैं किसी तरीके से आपको राज़ी कर दूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपको राज़ी कर सकूं, बेबस हूं। तो या अल्लाह, आप अपनी रहमत से मुझे माफ़ कर दें। दैट इज़, इससे ज़्यादा हम अल्लाह ताला से कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि मर्सी होगी तो हमें दुनिया में खुशहाली मिलेगी अल्लाह ताला की, मर्सी होगी तो कब्र में खुशहाली मिलेगी, और मर्सी अल्लाह ताला की होगी तो महशर में हमारे लिए आसानी। मेरे ख्याल में जो सदफ ने चीज पॉइंट आउट की है बिल्कुल वो ठीक है कि हम लोग नबी का नाम तो लेते हैं बट नबी की एक बात नहीं मानते, और खुदा का नाम लेते हैं और अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं और जो जो हमारे मतलब ज़ाब्ता हयात इस्लाम के, इस्लाम कंप्लीट ज़ाब्ता हयात, उसको हम एक नहीं मानते। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि हमें नबी के अखलाक के बारे में या उनके उस्वा के बारे में पता ही कोई नहीं है, ना ही हम में से किसी ने जानने की कोशिश की है। आई डोंट नो अबाउट द एज ग्रुप जो आपने डिस्कशन वाले बुलाए हुए लोग, व्हाट इज द एज ग्रुप। आई एम राइट नाउ 42 ईयर्स ओल्ड और मैंने अभी तक नबी पाक के उस्वा हसना को सही तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगी के बारे में जो रिसर्च करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए या उसने जानने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी नहीं की। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है तमाम ऑडियंस से, कैन एनीबडी टेल मी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी औलादें थी, कितनी औलादें थी? अगर कोई मुझे वो बता दे तो आई वुड, मैं उसको मान जाऊंगा कि माशाल्लाह उसने नबी के की उस्वा को या नबी के की जिंदगी को पढ़ा है। सेकेंडली, हम लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे इन चीज़ों को? बिकॉज हमें खुदा खौफी नहीं, हमें ये यकीन नहीं है कि आखिरत है और आखिरत में हिसाब होना है, हमारे जो आमाल हैं जो हम दुनिया में कर रहे हैं उसका हिसाब होना है। सेकेंडली, वी हैव टेकन आवर रिलीजन जस्ट लाइक क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन जो है बाय बर्थ जो है क्रिश्चियन है, उस तरह हम बाय बर्थ मुस्लिम हैं, और हमें उस चीज़ की कदर ही नहीं है, हमें अपने दीन की कदर नहीं है, हमें अपने मजहब की कदर नहीं है, हमें इस बात पे यकीन नहीं है कि आखिरत में रेजरेक्शन होनी है और आखिरत में हिसाब होना है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ भी है और हिसाब होना है। तो व्हाट आई थिंक दैट इज द रीजन कि खुदा कॉपी तो नहीं है, दैट इज द रीजन कि हम अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करें। प्लस आप इस्लाम पहुंचा किसके थ्रू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पहुंचा। क्या हमने अल्लाह को देखा और अहकामात और नमाज और रोजे और जितनी भी इबादात है, क्या हमने किसी को करते हुए देखा या मतलब इन मटेरियल थिंग तो डिसेंड नहीं हुई ना? ये सारी की सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिली, हमारे नबी के थ्रू मिली। तो व्हाट आई थिंक कि हम इसलिए उनको फॉलो नहीं कर रहे तो ये कि हम अच्छे मुस्लिम नहीं है, वी आर नॉट गुड मुस्लिम एट ऑल, और सेकेंडली खुदा खौफी नहीं है, आखिरत पर यकीन नहीं है कि बाकी आखिरत होगी। अगर आखिरत पर यकीन होता तो हम ये सारी हरकतें ना करते जो सदर पे मेंशन की। दैट वाज अ कमेंट, जो कि जनरल सा कमेंट है जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। इस पर डिस्कशन कैन बी ओपन प्लीज।
सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ सर, ऐसे ही प्रॉब्लम है। हमें नबी सल्लम का कुछ भी नहीं पता, तो आपने बच्चों का पूछा था, उनके 7 बच्चे थे, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, गूगल पे आप लिखेंगे उनके नाम भी आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था आपके सवाल पूछने से पहले, मैंने गूगल पे लिखा कितने बच्चे थे, फ़ौरन उसने बता दिया 7 बच्चे थे सर। क्या हम में से किसी को पता था? अच्छा, नबी पाक सल्लम के बेटे कितने? हाउ मेनी? 4 बेटे थे मेरा ख्याल है। हमें ना गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है सर। उस्मान सर, गूगल के ऊपर आप लिखेंगे ना कितने बच्चे थे, कितनी हाइट थी, क्या कलर था, इट विल टेल अस एवरीथिंग। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कासिम, डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हमने जानने की कोशिश नहीं की। जब हमने एक देखिए एक पर्सन, फॉर एग्जांपल समबडी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उससे डिस्कशन हो रही थी और एज इट्स अ ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप वो है, तो दैट्स व्हाई आई पार्टिसिपेटेड इन दैट। सॉरी अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, माइकल जैक्सन के बारे में ए टू जेड लोगों को पता हो, या फॉर एग्जांपल कोई भी रोल मॉडल कोई होता है, या फिर कोई भी स्टार होता है, कोई म्यूजिक स्टार है, कोई भी है, मतलब मीडिया में है शख्स, ये जो आपको पसंद होती है, हमें उसकी एक एक न्यूज पता होती है, हम इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम हर मीडिया पे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं, व्हेन यू लव समवन, तो आप उसको कम्प्लीटली फॉलो भी करते हैं, आप उसके तौर तरीके को अपनाते हैं। हमने अपने नबी से मोहब्बत करने की कोशिश ही नहीं की। Exactly. हमने जब तक कि आप किसी पर्सनैलिटी से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। We have to completely submit that. ये मेरा जो पर्सनल व्यू है, बाकी आप सर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, बिल्कुल सर ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमें उस लेवल पे नहीं पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पर पढ़ने का हक है। अच्छा, मैं सर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं हाशिम। हाशिम इज़ माई ब्रदर, ही इज़ कैनेडा, ही इज़ इन कैनेडा। तो हाशिम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं बंदा मिलता, तो मैं हाशिम को कॉल करता हूँ हेल्प लेने के लिए, और मैं उस यानी उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जो भी गाइडलाइन देता है, जो भी फीडबैक देता है, वो मेरे लिए फ़ायदा मंद होती है। और ही ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा इसने मुझे सजेशन दिया जिससे मेरी लड़ाई हुई है, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद फायदा हुआ, हमेशा ऐसे ही हुआ। तो हाशिम आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, हाँ वालेकुम सलाम, बस मेरी आवाज आ रही है, थोड़ी सी फट फट के आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे स्पीकर खराब हुआ है माइक। तुम्हारी आवाज ना फट रही है, पता नहीं क्या वजह है। एक दफा रूम लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर मुझसे पूछो, दोबारा रूम लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर। तो ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज माइक। हाशिम आप बोलो। हाँ अब आवाज आ रही है, क्लियर है, अब क्लियर है। तो आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है, नहीं है, क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है, परफेक्ट है, नाउ इट इज फाइन। अच्छा परफेक्ट है। अच्छा तो थम डाउन करना अगर आवाज क्लियर ना आ रही हो, वहां सही है। तो फिर व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? वैसे अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली सादा जिंदगी, सिंपल सुकून ना बहुत पैकेज, यानी कि लाइक आराम से आप अपनी सुकून जिंदगी गुजारो और अच्छे तरीके से, जिस तरह इस्लाम में हमें बताया गया है, और वही बेस्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर आज की डे एंड एज देखा जाए तो एक्सट्रीम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैं जिस तरह एम करता हूँ तो लगता तो अनरियलिस्टिक है, लेकिन मैं ड्रीम को इसी तरह करता हूँ कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन आगे फ्यूचर में पॉसिबल होगी, यानी कि हम इजीली ट्रेवल कर सकेंगे दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, रिसोर्सेज की रिसोर्स गैदर करने के लिए, माइनिंग वगैरह के लिए। तो एम इन लाइफ मेरा कुछ है नहीं, इसी तरह से है। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन थे, रोल मॉडल, ऑब्वियसली। नहीं नहीं, एक एक सवाल का एक ही सवाल, मतलब वाली वसल्लम।
एक सवाल का एक जवाब देना है। तुम मेरे से डिस्कस कर रहे थे वी नीड टू हैव अ सबमरीन, वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन जिससे हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ फाइट कर सकें और शाना बशाना उन लोगों के साथ ना मुकाबला कर सकें। तो आई वॉन्ट टू लिसन टू दैट आइडिया कि हम वो किस तरह कर सकते हैं, हाउ डू यू सी इट? मतलब इट माइट लुक एब्जर्ड, एबनॉर्मल, स्टूपिड, बट जो तुम्हारे दिल में बात है से इट आउट। मुसलमानों ने अगर आगे जाना है साइंस में तो ऑब्वियसली हम सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान और सिर्फ यानी कि ये पाकिस्तान ही आगे जाए, नहीं, इसमें सब मुसलमान लोग अगर इकट्ठे होंगे, फितना फसाद, डोमेस्टिक डिस्प्यूट खत्म करेंगे हम अपने, तो तभी हम इस और मैं यही समझता हूँ कि जो वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो गोल है ना वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये लोग खुदा में बिलीव नहीं करते और डरते हैं और बहुत ज़्यादा साइंस में बिलीव रखते हैं, ठीक है, और अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये उस तरह के रिस्क नहीं लेते जो इनको रिस्क बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। है तो इनकी एक गुड चीज़ की ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे गए हैं, लेकिन अगर जो मुसलमान हैं वो हम लोग तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और हमें यानी कि इस चीज़ का डर नहीं लगता जब हम किसी सफ़र पर निकल जाते हैं और बस हम यानी कि ऑब्वियसली मरने के लिए निकलते, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे में ज़्यादा हौसला होता है, जरूरत होती है और हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ कलेक्टिवली हम अगर मुसलमान मुल्क जो हैं अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक उम्मत बन जाते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हम फिर ये करें कि हम एक सुपीरियर रेस हैं और बाकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंफीरियर रेस हो गई है, इस तरह नहीं। इसमें यह है कि हम सारी दुनिया को साथ लेके चलें और पूरी दुनिया के अंदर की पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों की एक बहुत ज़्यादा हद तक से होनी चाहिए। तो जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी और आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ है, ग्लोबल विलेज बना हुआ है पूरी दुनिया, तो ये चीज़ें पहले टाइम लगता था, अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से अचीव हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर अपना काम शुरू कर दें। लेकिन बाकी उसके अलावा ये जो हमारे छोटे मोटे जैसे मसला है, कश्मीर है या फलस्तीन का मसला है, ये चीज़ें हमें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी बाय हुक और बाय क्रुक, और हमें यानी कि ऑब्वियसली शायद जंगें लड़नी पड़े जो भी करना पड़े, और हमें यानी कि पूरी दुनिया को ये शो करना होगा कि हम सारे हम लोग मुसलमान हैं और हम सही रास्ते पे हैं और हमें बड़े बड़े सेक्रीफाइस देने होंगे, और अगर हम इतनी जरूरत रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हम इतना जरूरत नहीं रखते तो ऐसी निज़ाम चलता रहेगा, यानी कि कभी हमारे हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और यही सिस्टम एक चलता रहेगा। तो अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिस तरह मैं अगर सारों का सोचूं तो इसी तरह ही है कि यानी कि दुनिया के अंदर हम रिसोर्स के ऊपर कर रहे हैं तो बाकी जो इर्द गिर्द अल्लाह तआला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है वो भी अचीवेबल है, वो हमारे यानी कि वो भी हमारे लिए, हम उसको देख सकते हैं, तो उसका ये मतलब है कि हम जा भी सकते हैं। पर मसला ये है कि हम लोग आपस में ही एक जगह पे, यानी कि हम ऑब्वियसली किसी प्लेनेट के ऊपर रह नहीं सकते, हम अपने यानी कि मशीन इन्वेंट कर सकते हैं और इन्वेंट करके हम रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं, अपना कायनात के बारे में लर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका ये कहता नहीं मतलब नहीं है कि अपना हम अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ यानी कि ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए जा रहे हैं आगे पीछे जो भी कर रहे हैं। तो खैर मैं थोड़ा सा इस एंगल से सोचता हूँ। यार हाशिम, बाकी तुमने ना सुबह एक बात की थी वो मुझे ना बड़ा उसने पकड़ा और शेक किया, और अभी भी तुमने यही बात की है कि वेस्टर्न सोसाइटीज ना अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं रखती, जिस वजह से मैं तुम्हारी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रहा, तुम मेरी शायद क्लियरली सुन रहे हो, तुम्हारी आवाज मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है, तो अभी आ रही है मेरी आवाज, मुझे कट कट के आवाज आ रही है तुम्हारी। अच्छा, मेरी आवाज बाकी सबको क्लियर आ रही है? सजद, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है बिल्कुल क्लियर। अच्छा चलो सही है, हाशिम एक दफ़ा लीव करके दोबारा रूम ज्वाइन करो, उससे शायद आवाज़ ठीक हो जाए। हाशिम लीव करो। कासिम कैन आई कमेंट ऑन दैट? सर बिल्कुल कमेंट करें।
what I think, in my opinion, you know, थोड़ा बहुत जो मेरे इल्म हासिल किए जो मतलब I have studied very little actually. मेरे ख्याल में हमारा मुसलमानों का मसला ये है कि we have definitely shortfall in the religion, वो तो एक है ही है. प्लस अगर आप हम देखें तो हमारे दीन में भी जो सबसे पहले जो आयत उतरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दैट वाज इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ठीक है, कि इल्म के सिलसिले में, इल्म के बारे में सबसे पहली आयत उतरी थी कि इल्म हासिल करो, ठीक है. तो सूरह अलक की जो पहली आयत थी वो प्रॉबेबली उतरी थी, इफ आई एम राइट, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी. तो मेरे ख्याल में द रीजन इज दैट वी हैव स्टॉप्ड वर्किंग एक्चुअली पॉन्डरिंग, हमने सोचना छोड़ दिया है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ दिया है. अगर आप इफ यू इफ सम ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप खोल के देंगे तो बड़े जितने भी बेसिक्स ऑफ नॉलेज बात जो कर रहे हैं अमेरिका की, यूरोप की, जिस जमाने में अमेरिका और यूरोप ये मिडिवल एज में ये लोग प्लेग से मर रहे थे, ठीक है, बिबोनिक और सेप्टिसेमिक प्लेग से ये लोग मर रहे थे, उस वक्त मुसलमान सुपर पावर थे, मुसलमानों के पास इल्म था, मुसलमानों के पास कुरान हाथ में था, मुसलमान फिलोसफी में आगे थे, मुसलमान एस्ट्रोनॉमी में आगे थे, मेडिसिन में गोली सीना वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, गोली सीना के भी बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट हुई लैटिन में, बातें मुसलमानों के अरबिक बुक्स लैटिन में ट्रांसलेट हुई, जब स्पेन पे कब्जा हुआ है वापस क्रिश्चियनिटी का, रेनेसांस जो पीरियड कहते हैं जिसको रेनेसांस कहते हैं, रेनेसांस पीरियड का ये माइकल एंजेलो और कौन सा है मोनालिसा जिसने बनाई थी पेंटिंग, लियोनार्डो डा विंची. तो ये आई थिंक कि हम लोगों ने ना वी हैव स्टॉप्ड वर्किंग, हार्ड वर्क छोड़ दिया है हमने, हमने दिल छोड़ दिया है. हम सोची समझी स्कीम के तहत हमें जो है रिलीजन से तो हम दूर है ही हैं, हम दुनिया से भी दूर हो गए, ना हमें दुनिया मिल रही है ना हमें दीन मिल रहा है, ठीक है, ना हमें दुनिया हम गैदर कर पा रहे हैं ना दीन. तो ये उस वक्त होता है जब आप दुनिया के पीछे भागते हो. ऐसे ही है सर, डोंट फॉलो द वर्ल्डली डिजायर्स, फॉलो अल्लाह को फॉलो करें, अल्लाह के दीन को फॉलो करें, अल्लाह की रस्सी जो कुरान है उसको मजबूती से थामे. I think you have the same concepts as I have. तो दुनिया थाकती भी आपके कदमों में आएगी, ठीक है. मैं आपको तुर्की की एग्जाम्पल देता हूँ. 2006 में तैयब अर्दोगान आया तुर्की में, ठीक है, और उसने रिफॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिफॉर्म्स उसने क्रिएट की. और अभी आप देख लें कि विद इन स्पैन ऑफ कितने ईयर्स, 14 ईयर्स, After 14 years, Hagia Sophia has been converted into a mosque. 14 साल के बाद इतनी रेडिकल चेंज है. ये वही तुर्की है जहां पर इसकी पार्लियामेंट में खवातीन का हेडस्काफ पहनना मना था. पार्लियामेंट में हेडस्काफ पहनना मना था और कोई हेडस्काफ पहन के खातून आई थी जिसको पार्लियामेंट की जिसने जो उनकी मिलिट्री थी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उसने उसे रिमूव कर दिया. जस्ट अ कमेंट, जस्ट अ पार्ट, बट माई आई थिंक अगेन we have to go to our basics, exactly. we have to search our basics, hamari hame apne basics ki taraf jana chahiye aur hame ponder karna chahiye, sochna chahiye ki hamare andar galtiyan kya hain aur hame unko theek karne ki koshish karni ke bajaye ke sirf abhi main dekh raha hu to media pe we all see on the media ke discussion mara discussion chal rahi hai, koi fruitful cheez koi hal nahi nikal raha, bas behas behas bhare behas. aap ki koi television khol ke dekh le ek ladai chal rahi hoti hai. My point is this कि हमें we have to search our roots, कि हमारी roots क्या हैं. Turkey is coming back to its roots. If you follow their media, अभी उनके जो media पे जो dramas चल रहे हैं, they are coming back to their roots. जो Ottoman Empire का नाम लेते हुए पहले शर्म महसूस करते थे, now they are proud of their past and their Ottoman Empire. The Ottoman Empire ने 3 continents पे उन्होंने हुकूमत की. So please, anybody can share the idea with me, or I think इसको हमें propagate करना चाहिए. We should search for our roots. हमारी basics क्या है, हमारी पहचान क्या है. हमारी पहचान हमेशा as a Muslim रहेगी, चाहे जितने भी secular हो जाएं, जितने भी modern हो जाएं. आप example आपके सामने Turkey की है, क्या EU में enter होने के लिए उसने क्या नहीं किया, ठीक है, और response उसको क्या मिला, and they are
जब तक कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, अपने जोरे बाजू पे यकीन नहीं रखेंगे, वी कैन नॉट डेवलप आवरसेल्फ्स मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। थैंक यू। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा ना इसके अंदर थोड़ा सा एडवांटेज है कि हम कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, टिन के ऊपर हम उसकी हिस्ट्री नहीं डालेंगे, डब्बा उठा लेंगे फिर से, एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कोरोना हो जाए, नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, अल्लाह ताला पर छोड़ देंगे। डिफ़िकल्टी आएगी, नहीं जाएंगे किसी बॉस के पास, नहीं जाएंगे किसी अमीर बंदे के पास हेल्प लेने के लिए। तो हमारे पास सर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्दो हमने उस तरह फॉलो नहीं किया इन तालीमात को, लेकिन जो वेस्ट के अंदर हाशिम ने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो अगर हम देखें कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएँ और उसके पीछे लॉजिक निकालने के पीछे भागना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हो जाएंगी। तो ऑल दो के सब कुछ कोलैप्स हुआ हुआ है, सब कुछ ऐसे लगता है कि तबाह हो गया है, फिर भी हमारे घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे खुश हैं, खाने चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, कोरोना हो गया लेकिन शादियाँ हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे मुल्क में वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो इस वक्त लश्कर। मैं अपनी थोड़ी सी बात कंटिन्यू कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो आशिम, बिल्कुल। एक चीज जस्ट तो जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि सॉरी मैं आपको अकीम करूं, मालिक पे जो भी हो रहा है, तरक्की कर रहे हैं कुछ लोग, अपना नुकसान कर रहे हैं जो भी है, लेकिन हम हमारी जो बात है वो इस सेशन में जो लोग हैं उन्हीं तक पहुंच रही है। तो हम सालों से यही मुखातिब हो गए होंगे कि जो आप लोग, अगर आप लोग, ये सारी जमीन अल्लाह की है, ठीक है, और अगर आप लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको ना किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए आपको। बस अगर आप जो चीज़ आपने ड्रीम करते हैं, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, आपको बस उसकी तरफ काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा है, जो मीडिया है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो जितनी भी चीज़ें हैं मीडिया रिलेटेड वो आपको अपनी सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी सराउंडिंग से टेंशन आपकी दूर कर रहे हैं। वो बस वो उनका टारगेट ये है मीडिया करना चीज। जो तैयब अर्दोगान है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सब मीडिया के अंदर बनी हुई है, इससे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं, और वो लोग बेचारे सिर्फ सिविलियन हैं और अपनी जिंदगी के सुकून से, छुप के नहीं यानी कि खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो लोग मेन स्ट्रीम नहीं है। वो लोग मेन स्ट्रीम इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी फायदा नहीं है। तो मैं जो हाँ हम इस वक्त जो दुनिया को प्रोपोगेट करके माइंडसेट बना दिया गया है कि भाई जो चीज़ें मेन स्ट्रीम है ना वो वही चीज़ें अच्छी हैं, जो चमकती दमकती हैं वही सब कुछ बेहतरीन है, ठीक है, लोग लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को देखते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करके फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को रियलिटी, हमें जमीन के ऊपर चल के इसके ऊपर घूम फिर के हमको ज्यादा नॉलेज हासिल होगा बजाय इसके कि हम हासिल करें जो इस वक्त मीडिया है दुनिया का हर तरफ, क्योंकि मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा लोगों के आप जानते ही नहीं है वो उनके हालत में बैठा है किधर बैठा है आपको नहीं पता, और वो आप भी नहीं जानते हो वो किस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, ये भी नहीं आप जानते। तो फिर यानी के ऐसी उसका यानी के वो ना उसमें कोई एक बरकत रहती है, ना उसमें कोई वो एक क्लोजनेस रहती है, ना वो एक यानी कि ये एक फेक किस्म का सिनेरियो है। लेकिन टेक्नोलॉजी की हद तक, रियलिटी की हद तक एक चीज है और उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज का पूरा कंट्रोल उस वक्त रशियन सिविलाइजेशन के पास है, तो वो उसको अपने फायदे के लिए, अपनी गेंस के लिए यूज कर रहे हैं और ये सारा सारी दुनिया के सामने है। और जब तक हम लोग खुद नहीं खड़े होंगे, खुद खड़े होने का मतलब यही है कि हम जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून है उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, हमारे लिए पूरी दुनिया खुली है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, जितने भी नो गो एरियाज हैं इस पूरी दुनिया के अंदर हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर हम अल्लाह ताला की बात से डरते हैं। तो बिल्कुल हाशिम, थैंक यू वेरी मच।
बस मैं यही कहना चाहूँगा। वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही है, हम अगर अल्लाह ताला के कानून को फॉलो करें फिर तो हमारे हाथ भी कोई नहीं बंधे हुए, पाँव पे बेड़ियाँ भी किसी ने नहीं डाली हुई। फिर चाहे अफगानिस्तान जाएं, ईरान जाएं, नॉर्थ जाएं, साउथ जाएं, हर जगह पर हमारे लिए हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ यकीन की कमी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर हैं मोहम्मद सलमान। आज हमारा ना, मेरा और सलमान भाई का सुबह एक घंटा हमारा खाने के ऊपर टेबल पे बातचीत हुई। माशाल्लाह मुझे इनकी मेंटालिटी सुन के बड़ा मज़ा आया। तो सलमान भाई, आपने ना कोई एक क्वेश्चन पिक करना है और उसके ऊपर 5 मिनट्स आपने आंसर देना है। तो कोई भी एक सवाल पिक करके आप हमारे साथ शेयर करें अपने व्यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों? क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, पहले तो मैं थैंक यू कासिम भाई एंड थैंक यू ऑल ऑफ द मेंबर्स हु जॉइंड हियर कि आपने मुझे मौका दिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वी आर बेसिकली वन कम्युनिटी और अल्लाह पाक हमें ऐसे ही रखे एक कम्युनिटी के तौर पे। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन चूज करूंगा, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? अच्छा, मैं थोड़ा सा एम ऑफ लाइफ की जो बिल्कुल आई थिंक कासिम भाई को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए इसका इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो दूंगा, लेकिन कुछ थीम बना के दूंगा। मैं क्योंकि एक टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो बैकग्राउंड है वो साइबर सिक्योरिटी से है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से है। तो डेफिनेटली इंसान जिस चीज़ के अंदर है, अगर एक डॉक्टर है, एक लॉयर है या किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो ही डेफिनेटली थिंक अबाउट हिज प्रोफेशन के अच्छा इंट्रोडक्शन आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन का पूछा था। बिल्कुल सलमान भी, आप बात कंटिन्यू करें, साथ इंट्रोडक्शन दे लें जैसे आप बेहतर समझते हैं। अच्छा अच्छा, तो डेफिनेटली कोई भी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाला वो ये चाहता है कि मैं अपने प्रोफेशन के अंदर आगे जाऊं और मैं अपने प्रोफेशन के अंदर ग्रो करूं और मैं अपने प्रोफेशन के अंदर उस मकाम तक जाऊं कि जहां पर मैं कुछ कर सकूं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहां पर जैसे माशाल्लाह से हमारे पास कुछ स्पीकर थे, डॉक्टर उस्मान साहब हैं, आशिम साहब हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, स्पेशली डॉक्टर उस्मान साहब ने, कि एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नस्बत से सिर्फ मेरी एम ऑफ लाइफ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मेरी एम ऑफ लाइफ किसी टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रूम करके एक स्टेज पे जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एज अ मुस्लिम मेरी सोच ये है कि यार मुसलमान होके मैंने किस तरह सारी दुनिया के सारे इंसानों को ये बताना है कि मुसलमान जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी है, इस्लाम एक कामयाब ज़िंदगी का नाम है, और वो दुनिया की चीज़ों में लग कर भी अपने अल्लाह और अपने नबी के तरीक़े को नहीं भूलते। यानी कि हमने सारी चीज़ों को इख्तियार करना है, हमने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जाना है, हमने पीएचडी भी करनी है, हमने बड़ी से बड़ी डिग्री भी लेनी है, हमने अपनी फील्ड के अंदर एक्सेलरेट भी करना है, लेकिन इन सब चीज़ों के सामने हमने अपनी बेसिक्स के ऊपर आना है। और हमारी सबसे बेसिक जो है, हमें पहले दिन ही बता दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी बेसिक है। और इस बेसिक की बुनियाद के ऊपर जब हम कोई भी स्टेप उठाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके बैकग्राउंड के अंदर बात करूं, तो हम अगर जैसे उस डॉक्टर उस्मान साहब ने एक बात की कि हमने नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ा नहीं, इसमें डेफिनेटली एक बात तो है कि हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात है कि पढ़कर उस पर अमल करना। कि जो आप जो वसलम के कंपेनियंस थे, जैसे बड़े बड़े सहाबा थे जिन्होंने वसलम का साथ दिया, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तु बहुत बड़े सहाबी, ही सेड कि हमने 13 साल तक वसलम के साथ मक्का की गलियों के अंदर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को छोड़ा। और मैं वो उमर हूँ कि मेरा चचा मुझे कहता था कि उमर तुम क्या करोगे कि तुम्हें तो बकरियाँ चरानी भी नहीं आती। और फिर वो उमर सारी दुनिया के अंदर उन्होंने हमारे सामने कि कैसे उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, कैसे उन्होंने फौज का निज़ाम बनाया, कैसे उन्होंने हुकूमत का निज़ाम बनाया, कैसे उन्होंने सारे रूल्स प्रिंसिपल्स अपने दिए। तो मुसलमान की तो शान की ये है, सुबह भी जैसे हमारी बात हो रही थी कि हम जिस फील्ड में जाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह एक्सेलरेट करेंगे, और ये हमारे साथ जुड़ी हुई ऐसी बात नहीं है।
So as a cyber security consultant, right now I'm working in one of the biggest audit firms. Our firm is comprised in 158 countries, which is called PwC. और वहाँ पर मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ साइबर सिक्योरिटी का. अब कन्वेंशनल वार्स नहीं, हम देख रहे होते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे पास तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ आउटपुट आ रहे होते हैं, जैसे कि कल परसों ही बराक ओबामा का और डोनाल्ड ट्रंप का और बिल गेट्स का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ. तो ग्लोब अब कन्वेंशनल वार्स ख़त्म होकर साइबर वार हो रही है, अब जो है ना टेक्नोलॉजिकल वार है. और इस टेक्नोलॉजिकल वार के अंदर हमारी डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिक्योरिटी जब तक मजबूत नहीं होंगी, हम जितना अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लें, हम जितनी अच्छी सिस्टम बना लें, हम अपने जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, जब तक हमारे पास एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं होगा विच इज़ वेरी तो बिल्कुल एक हमारी फौज है तो उसका भी जैसे सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, तो इसी तरीके से हमारी इन चीज़ों का भी जब तक अच्छी सिक्योरिटी निज़ाम नहीं होगा तो हम उसको नहीं रोक सकते. तो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है कि एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल होके मैं मुसलमानों की और एक कम्यूनिटी की और पाकिस्तान की उस मकाम पे जाके मदद कर सकूं और उस मकाम पे जाके उसको खड़ा कर सकूं कि जहाँ पर जो डिज़ायर जो हमसे मांग रही है और जो 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 अभी ज़रूरत है हमारे मुल्क को भी और हमारी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी को. थैंक यू सो मच सलमान भाई. हमें ना आपने मुझसे पूछा था कि हमें किस लेवल पे आप असिस्ट कर सकते हैं. आपको मैंने सुबह बताया था आप प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हैं, आप हमारे बच्चों से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे बनाई जाती है. आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, आप प्लानिंग के बारे में लोगों को बता सकते हैं. आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट में आपने सारे का सारा हमें समझा दिया. आप ये हमारे बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं. हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास एजुकेशन की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है जो अच्छे बात कर सकते हैं. हमारे पास प्रॉब्लम यह है, हर बंदा अपनी गाड़ी लेके मैकेनिक के पास उसी के टायर चेंज करवाने जा रहा है. हमने अपनी गाड़ियों को छोड़ के दूसरी गाड़ियों पे थोड़ी सी तवज्जो भी करनी है, थोड़ी सी हमें यूनिटी की ज़रूरत. हम अगर यूनाइट हो जाएँ और सिर्फ हमारे ऊपर ये हो के यार कलमा है, ऊपर कुरान है, ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स हैं, अगर हमारे सामने ये इंस्ट्रक्शंस हों और नीचे फिर हम उन इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के कोई बंदा बुरी बात भी कर दे वो भी माफ़ कर दें, कोई गलत काम भी कह दे वो भी माफ़ कर दें, और फिर भी एक दूसरे को पकड़ लें किसी तरीके से, तो ऑनेस्टली इन द शेप ऑफ अ टीम हम 10 लोग आज इकट्ठे हुए हैं, अगर हम अगले महीने इकट्ठे होते हैं हम 20 होते हैं, हम एक 6 महीने बाद अगर हमारे पास 40 बंदे होते हैं, 50 बंदे होते हैं, एक एक बंदे ने अगर दुनिया का काया पलट दिया, तो हमारे अगर 40 लोग इस ऑनेस्टी के साथ और इस इंटेंशन के साथ इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह वो 13 साल जो भी सलमान भाई ने बात की, हमारे 42 कंपेनियंस हज़रत मोहम्मद सल्लम के इकट्ठे हुए थे, तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा? क्या उस वक्त कोई चेंज नहीं आएगी? क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हिट नहीं होंगे? हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया के अंदर रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंज नहीं लेके आएंगे? हम गूगल को बीट नहीं कर सकते, फेसबुक को बीट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, सिर्फ ज़हनी आज़ादी की ज़रूरत है. बराक ओबामा का ट्विटर ने अकाउंट हैक किया, हमारे अपने ट्विटर हों, हमारे अपने गूगल के इंडस्ट्रीज हों, हमारी अपनी फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हों, टाइम लग सकता है, लेकिन यूनिटी और माहौल बनाने में तो टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो फौरन हो सकता है. अच्छा काशिम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ. दो तीन चीज़ें हमने ऐसी देखी, मैं आपको भी बताऊँ कि आपकी बात से मैं 110% इतफाक करता हूँ इस बात पर कि रिसेंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे डायरेक्टर हैं सैयद अब्दुल कादिर साहब, ही बेसिकली अपॉइंटेड एज द टॉप 20 सीसोस इन द वर्ल्ड इन 2019 आल्सो एंड 2020 आल्सो. यानी 2019 और 2020 के अंदर वो टॉप 20 चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनके अंदर ग्लोबली उनका नाम आया. एंड द डे बिफोर यस्टरडे there was one conference on the online session, wo 20 log conference kar rahe the, to ye ek bahut badi achievement thi ki ek pakistani organization ke andar ek bande ne CISO ka kiya. Aur matlab ek iske andar jo hai ek muslim community ke bande ka naam aur uske andar ek pakistani bande ka naam, to ye bahut badi achievement. Dusra main aapko ek baat bataun, jo hum 3G ki baat kar rahe hote hain, abhi 5G ki jung chal rahi hai puri duniya ke andar, एक बहुत बड़े इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बात है. मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं. 3G की बात अगर हम करें ना, तो हमारे पास कराची के अंदर, मैं कराची बेस्ड हूँ, तो हमारे पास कराची के अंदर सर सैयद यूनिवर्सिटी है,
नाम सुना होगा सबने, जो हमारे पास सरफेस यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे तो एक क्लास के थे, उनके बाद उनकी जॉबें हो गई और जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो अच्छी क्रीम होती है वो बाहर चली जाती है, तो दे गो अब्रॉड और वहाँ पे वो कोई इंडोनेशिया गया, कोई जो है ना वो थाईलैंड गया, कोई मलेशिया गया, तो इन्होंने एक फेयरवेल मीटअप किया कि यार वाई विल नॉट मीटअप इन वन प्लेस और कोई ऐसी जगह तलाश करें कि अपने वीकेंड्स पे आए और मिले। तो जब ये आपस में मिले मलेशिया के अंदर, इन्होंने एक अपना एक प्लेस जो है उन्होंने सेलेक्ट किया, वहाँ पर ये तीन चार दोस्त अपने फाइनली प्रोजेक्ट वाले सारे मिले और उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम कुछ ऐसे काम करें कि यार हम कुछ दें और हमारा नाम रोशन हो। तो 3G को लॉन्च करने वाले वो चार लोग थे जो सर सैयद के स्टूडेंट्स थे, उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, वो कॉन्सेप्ट देने वाले, यानी अगर हम ये कहें कि एशिया के अंदर 3G को लॉन्च करने वाले सर सैयद के वो चार लोग हैं, मैं उनके नाम भूल चुका हूँ, हमने उस टाइम पढ़ा था, तो वो चार थे जिन्होंने, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर तो जाहिर सी बात है एक कंट्री का रोल होता है, लेकिन उन्होंने बेसिक थीम दिया कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात, और पाकिस्तान के अंदर मैं ऐसे कई टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ जो मैं ऐसे कई जो कतर चले चुके हैं, जो कुवैत जा चुके हैं, ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान से इतना नाता तोड़ लिया, उनकी फैमिली गई हैं, बस वो एक अपनी अचीवमेंट के लिए वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो टैलेंट से भरे हुए लोग हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमें कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को फायदा देना, हम नेदरलैंड में भी बैठ के कर सकते हैं। जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रेन ड्रेन इस वजह से हो रहा है कि आपके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइवेट सेक्टर में भी वो जो अगर अपॉर्चुनिटीज होती तो हमारा ब्रेन ड्रेन ना होता, पहली बात। सेकेंडली हमें अपने आप को खुद ठीक करना है, हम खुद ठीक हो जाएंगे अपने आप को, हर कोई अपने परिवार में झांके, अपने सराउंडिंग्स में देखे, बजाय कि वी शुड लुक एट द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, साथ वाला क्या कर रहा है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को खुद ठीक करना है, बीइंग अ मुस्लिम अपने आप को ठीक करना है, सोशली ठीक करना है, इकोनॉमिकली ठीक करना है, रिलीजियसली अपने आप को करेक्ट करना है। आप अगेन वो जो मेरा प्लीज यू कैन ऑलवेज सी माई चैट जिसमें रेफरेंस मैंने दिए, पाकिस्तान केम इन टू बीइंग ऑन 23rd ऑफ रमजान, इट्स अ बिगेस्ट साइन, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि 23वीं रमजान 23वीं की रात को, सॉरी 23वीं रात में कह रहा हूं, 27वीं की रात को, सॉरी करेक्शन, 27वीं की रात को लैलतुल कद्र वाली जो रात होती है, शबे कद्र वाली रात को पाकिस्तान बना था, इट्स अ बिगेस्ट साइन, इससे बड़ा साइन और क्या हो सकता है कि 27वीं की रात को पाकिस्तान बना और दैट इज आवर माइलस्टोन, हमने उसको फॉलो करते हुए चलना है, हमने लोगों को नहीं देखना कि लोग क्या करें। देखिए जहां तक मीडिया का ताल्लुक है तो कासिम यू एंड आई नो दैट कि मीडिया की फंडिंग होती है, मीडिया में पैसा पंप इन किया जाता है बाय फॉरेन एजेंसीज, बाय रॉ, बाय आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस फोरम, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यंगस्टर्स व्हिच आर देयर, कि डिस्ट्रैक्ट मत हो मीडिया की वजह से। मीडिया में इट वॉज इन 2015 समबडी वाज टेलिंग मी, मैं डिस्कशन कर रहा था, इट वॉज डॉक्यूमेंटेड 500 million euros वर पंप्ड इनटू द पाकिस्तानी मीडिया टू प्रोपेगेट प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और बाय MI6 इन 2015 MI6 ने 500 million euros पंप इन किए थे हमारे मीडिया में सिर्फ, इससे अपन अंदाजा कर लें कि नेगेटिविटी क्या, तो फिर नेगेटिविटी फर्दर आगे नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी बेसिकली शैतान फैलाता है, मायूसी शैतान की तरफ से, ठीक है। हमने हौसला अपना बुलंद रखना है और हमने अल्लाह की रस्सी को थामे रखना है जो कि कुरान है और सुनना है, ठीक है। अगेन आई विल प्रोफेसाइज के गो बैक टू योर बेसिक्स, कुरान सुनना, अपने कुरान से ताल्लुक जोड़ें, और जैसे माशाल्लाह कासिम इज वेरी रेगुलर, आई नो दैट पर्सनली, मैं कमेंट कर रहा हूँ, बट आई थिंक वी शुड
वी शुड गो बैक टू अवर बेसिक्स, हमें अपने अंदर झांक के देखना कि हम हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या हमारी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एज अ मुस्लिम ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब नेशनलिज्म भी अच्छी चीज है, बट अलामा इकबाल का एक शेर है somebody want to correct me, कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इस इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैर इसका मिल्लत का कफन है। तो मिल्लत का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है। एक डॉक्टर्स का फोरम भी है डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिसमें डॉक्टर्स दे गो आउट और वो कॉन्गो में भी काम कर रहे होते हैं, वो सिरिलियोन में भी काम कर रहे होते हैं, वो जहां भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है वहां पहुंचे होते हैं वो डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो हमें मुस्लिम बियॉन्ड बॉर्डर्स जाना है, वी आर वन नेशन, मिल्लत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है और एक दूसरे के दुख दर्द। इस मैं तैयब दुकान की एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि व्हाट आई थिंक आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल इन प्रेजेंट डे सिनेरियो, तैयब दुकान इज माय रोल मॉडल, नॉट अ रिलीजियस लीडर, नॉट एनी रिलीजियस लीडर, जो काम वो कर रहे हैं मरते मुजाहिद वो इस वक्त दुनिया में कोई नहीं कर रहा। दैट वाज अ कमिटमेंट। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही सर, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, हमने बॉर्डर से थोड़ा सा ना बाहर निकल के सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा जी, जी मैं एक मिनट लेना चाहूंगा भाई, 10 मिनट जी जी, बात करें समान भी बात करें, बात करें आप। अच्छा ये जैसे डॉक्टर सुमान साहब ने बात की कि नेशनलिज्म बेसिकली, देखिए नेशनलिज्म जो है ना वो गलत नहीं है, लेकिन अगर नेशनलिज्म की बुनियाद गलत है तो पूरा नेशनलिज्म गलत है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मुसलमान जो है ना, मुसलमान जिसने जो 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 अपने आप को मुसलमान कहता है, जो कहता है कि वाकई में इस्लाम होना चाहिए, दे आर नॉट थिंक अबाउट द ओनली वन कंट्री, दे आर थिंक अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई ये पूरी दुनिया हमारी, इस पूरी दुनिया के अंदर हमने ही आना है, और ये पूरी दुनिया है हमारी, मुसलमान ये पूरी दुनिया, और उसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करनी है। लेकिन उसका मोटिव क्या है पीछे? अगर हमारा मोटिव ठीक नहीं है तो यकीन करें पूरी दुनिया हासिल करने का कोई मकसद नहीं। अगर मेरा मोटिव इवन जिस कंट्री के अंदर मैं रह रहा हूँ उसकी प्रोटेक्शन और उसके लिए खड़े होने का मेरा मकसद सिर्फ पैसा है, मेरा मकसद सिर्फ पौधा है, मेरा मकसद सिर्फ कोई अपनी जायदाद बनाना है, तो यकीन करो वो नेशनलिज्म भी जहर कातिल है। लेकिन अगर मेरे इसके पीछे ये मेरा मकसद ये है कि भाई ये अल्लाह के दीन का किला है एंड ये डेफिनेटली ये एक मरकज है और यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर सैराब होगा, पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है यहाँ से सैराब होंगे और ये एक बुनियाद बनेंगे दूसरों के लिए, तो ये डेफिनेटली एक इबादत है और डेफिनेटली इस पर वो अजर मिलेगा। क्या फरमाया कि एक सिपाही की एक रात की नींद अबिदों के कई साल की इबादतों से अफजल है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है और एक बहुत बड़ी जो है ना एक सोच कि मैं जिस जगह की हिफाजत कर रहा हूँ, जिस जगह का मुहाफिज हूँ, सिर्फ उसकी बुनियाद उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, और जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया ने वो कर। तो डेफिनेटली हमने सिर्फ इसका नहीं सोचना, हमने पूरी दुनिया को सामने रख के बात सोचनी, लेकिन हम पूरी दुनिया को इसी तभी सामने रख के सोच सकते हैं, तभी हमारे सामने गोल हो सकते हैं कि जब हम अपने किले को अपने मरकज को मजबूत करें। तो डेफिनेटली ये बस एक बात है। सलमान भाई मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सदफ ने भी कमेंट किया इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, मैं 7 महीने हो गए हैं हर महीने कुरान उठाता हूँ, सारों को कहता हूँ देखो कुरान के लिए लगे हुए हैं, देखो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, देखो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, सब आते हैं ऐसे कमेंट देखा बाईपास कर दिया, मैसेज देखा बाईपास कर दिया, ग्रुप के अंदर भी कोशिश कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आए ना, मैं कह रहा हूँ हम 10 लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आप लोगों को मैसेज ना भेजूँ, आप लोग नज़र रखें हमारे ऊपर, आप लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देख लें डेली वंस, आप लोग ट्विटर के ऊपर ये अकाउंट फॉलो कर लें, आप मुझे कहना कि मैं आपको इंटीमेट करूँ, मैं इंटीमेट कर दूँगा, लेकिन अगर सिर्फ हम ये प्रॉमिस कर लेना कि मैं ये सेशन, ये वाला सेशन मैंने रखा है वंस सिर्फ और सिर्फ इस दफ़ा, जिसमें मैं कम्युनिटी मेम्बर्स को जोड़ने की कोशिश की है, वैसे इससे पहले मेरा सेशन होता है जो मंथली बेसिस पे होता है और वो मंथ में एक दफ़ा होता है, और उससे पहले हम सारों को कॉल करते हैं, सारों को बुलाते हैं, भाई आ जाओ प्लीज़ आ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। तो यूनिटी का ये हाल है कि पकड़ के ला के बिठाना पड़ता है, फिर उसके बाद समझाना पड़ता है, थोड़ा सा वेट कर लें, बाकी स्पीकर्स को भी सुन लें।
सब्र भी नहीं है, जल्दी भी है, प्रॉब्लम्स भी इतनी है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दिमाग हिला हुआ है। जबकि मज़हब क्या है, मज़हब तो डिमांड करता है सुकून के साथ सो जाया करो, सुकून के साथ उठ जाया करो, कोई जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी काम ज़रूरी नहीं है, जो लिखा हुआ है मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नींद पे तवज्जो दो, खाने पीने पे तवज्जो दो, अच्छा टाइम गुजारो। और हमने वो दुनिया की दौड़ के अंदर इतने लग गए हैं, इतना आंखें बंद कर ली हैं, इतनी कन्फ्यूजन मचा ली है कि हमने वो इन्जॉयमेंट छोड़ के ना सारी दुनिया की जिम्मेदारियाँ सर पे रख ली और भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो रहे। तो हमने इकट्ठा होना है इंशाल्लाह, हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, ऐसा ऐसा और भी इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। हाँ हाँ बात करें। तो जैसे भी एक भाई ने बात की है कि वो आशिम, तुम्हारी आवाज़ ना, तुम्हारी आवाज़ आशिम फिर ख़राब हो गई है, वो पता नहीं कटना शुरू हो गई है या क्या हो गया, आवाज डिस्टॉर्ट हो। कासिम? हाँ हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। कासिम कहना है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ सलमान, सलमान का कॉन्टेक्ट मिल सकता है? आई वांट टू गेट इन टच विद हिम जस्ट टू इफ ही वांट्स टू। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ सर, इस सेशन के बाद मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। अभी मेरा वो फोन भी ऑफ हुआ है सर। हेलो हाशिम, आवाज आ रही है? हाशिम कैन यू हियर मी? यार तुम्हारी आवाज ना डिस्टॉर्टेड है बहुत ज्यादा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वॉइस। ये ए भाई कौन है? ए भाई का नाम नहीं पता। ए इज अली इमरान आई थिंक। हाशिम देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वॉइस। अच्छा नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीकर। नेक्स्ट हमारे साथ स्पीकर हैं लाइन में साजिदा मुजम्मिल। साजिदा मुजम्मिल हमारी बहन है, मैं उनका थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी वो ये गुजरात के पास एक गांव है जलालपुर जट्टा, वहां पर वो स्कूल के ऊपर काम कर रही। तो मैंने 2-3 महीने पहले नारा लगाया मैं स्कूल बनाऊंगा, मैंने स्कूल बनाना है, पैसे दे दो, मैंने स्कूल बनाना है। सारों को फ़ोन किए हैं, सारे कज़नों को आगे पीछे, इंटरव्यूज़ भी लिए हैं सब ने, और एंड पे फिर पैसे देने की बारी पे पैसे थोड़े से कम पड़ गए। डेफिनेटली डोनेशंस, मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि डोनेशन इज़ नॉट द राइट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मैं उस जगह पर जब फेल होता गया होता गया होता गया, तो मैंने फिर साजिदा बहन से कहा कि हमें ना इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, हमें डोनेशंस के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को बार बार कॉल करके उन्हें तस्वीरें भेजने की ज़रूरत है, आप अगर थोड़ा सा मेरी हेल्प करें, ट्विटर के ऊपर आप थोड़ा सा एक्टिव हों, आप लोगों के साथ बातचीत करें, तो डेफिनेटली हम डोनेशंस रेज करेंगे और आपका स्कूल कंप्लीट करेंगे। तो 10 साल साजिदा ने अपना स्कूल रन किया, जिसमें उन्होंने 3 लोकेशंस चेंज की, स्कूल बच्चे आते थे, बच्चे फिर छोड़ के चले जाते थे क्योंकि लोकेशन फाइनल नहीं होती थी। अभी जो लोकेशन है स्कूल की वो भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, बंद कमरे हैं, पेरेंट्स कंफर्टेबल फील नहीं करते अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने में। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉस्ट पे चल रही हैं, फ़ाइट भी कर रही हैं, फैमिली से भी फ़ाइट की, रिलेटिव से भी फ़ाइट हुई, हर जगह उन्होंने रेजिस्टेंस देखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया, और गिव अप ना करने की वजह से अभी उस स्कूल की दीवारें भी खड़ी हो रही हैं। तो साजिदा बहन आप कोई भी एक सवाल उठाएं और उसके ऊपर आपने 5 मिनट बात करनी। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये कि बड़े जबरदस्त स्पीकर्स थे जिनको भी मैंने सुना, और थैंक यू, ये आपका कह लें एक मुसलसल एफर्ट है जो रोज आप सोए मुंह को हिला रहे होते हैं, उठते हो उठते हो, और हम भी चले। और मैंने मुसलसल उस वक्त की डायरी पास रखी हुई थी, और मेरी आदत है कि जो हमने 1-2 घंटा गुजारा उसमें सीखा क्या,
की पॉइंट्स साथ साथ लिखती रहती हूँ हर स्पीकर के, तो माशाल्लाह आज भी काफी कुछ सीखा। तो जहाँ तक आप अपनी बात कर रहे हैं तो कासिम भाई, 10 साल से जो मेहनत थी वो एक साइड पे, और जब से आपसे मिली हूँ और आपने जो सारी प्रेजेंटेशन बनाई तरह से ये हो। शायद आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड है, पता नहीं शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। और उससे जो कुछ मिला 10 साल की मैंने देख सकते। हेलो हेलो, आपका गाइड करना एक साइड पे, आवाज डिस्टॉर्टेड है शायद, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही ना, आप खुद को इतना जीरो। हेलो तो ना करवाएं। अच्छा, मेरे ख्याल से भी शारदा की ना आवाज का कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट करवा रहे हैं अपने आपका ना इंटरनेट का शारदा। हाँ, मैंने इसीलिए स्टार्ट में पूछा इंटरनेट। हाँ जी, हाँ शुरू में आपकी आवाज ठीक आई है लेकिन अभी आवाज मुझे तो आपकी आवाज अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, अभी आवाज ठीक आ रही है, तो आप प्लीज बात कंटिन्यू करें, मैंने टाइमर भी आपका रोक दिया था, अभी आप प्लीज स्टार्ट। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज ठीक आ रही है, पता नहीं मेरी तरह से है। अब ठीक आ रही है, पहले खराब आ रही थी, अब ठीक आ रही है। सही है, ठीक। मैं ये कह के माशाल्लाह सुबह से ये जो एक घंटा हमने सुना है बहुत अच्छी सुने हैं स्पीकर्स और काफी इंफॉर्मेटिव इनकी थी। कासिम भाई, जितना आप माशाल्लाह खुद को जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया ऐसा नहीं है, मेरी 10 साल की स्कूल के लिए ये जो स्पेशल बच्चों का एक एफर्ट था वो एक साइड पे, और आपसे मिलने के बाद और ये भी आई आपके प्लेटफॉर्म से जो मुझे हेल्प मिली वो उन 10 सालों पे ज़्यादा भारी थी। आपने जो मेरी एक प्रेजेंटेशन बनाई उससे मुझे लोगों को क्या कर रही अभी ये मैंने 11 लाख फंडिंग की तो उस इतना ना कहें कि मैंने कहा था मैं बनाऊंगा ये वो, अब नहीं हो रहा, सच है ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इससे 100% सेटिस्फाइड कि हो रही है कंस्ट्रक्शन। और इंशाल्लाह जो आपने कहा है ना कि आप 60 में खुद को कहाँ देख रहे हैं, तो मैं 60 में खुद को देख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेहतरीन बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे और उनकी मैं माँ होंगी, और बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होंगी मेरे साथ जो हालात की सदाई भी होंगी, डाइवोर्स्ड होंगी, विडो होंगी, जिनको मैं अपने पांव पे अपने इदारे के जरिए खड़ा करूँगी। मैं खुद को 60s में वहाँ देखती हूँ। एम ऑफ लाइफ ये है कि हर दिन कुछ करो, हर दिन कुछ नया करो। जिस दिन मैं रूटीन के मुताबिक कुछ करके बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज कुछ भी नहीं किया, और नया करने में ये है कि जब तक मैं मेरी अपनी बिल्डिंग कंप्लीट होगी और मेरी जो मंजिल है वो मुझे हासिल होगी, मैं अपने जैसी 100 साजिदा खड़ी कर चुकी होंगी, चाहे वो कोई ब्यूटिशियन हो, कोई बुटीक कर रही हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इस तरह से। ऐसी लड़कियां हैं जिनमें बहुत टैलेंट है लेकिन वो प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से नहीं कुछ कर पा रही थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज एक लड़की को ऐसा कर रही हूँ कि वो जैसे फ्राइडे को एक होम्योपैथी क्लिनिक उसका रीओपन करवाया, कल एक का बुटीक करवाया, आज भी मैंने कहीं जाना था लेकिन आपकी वजह से फिर मैंने उसको एक्सक्यूज किया। तो ये है कि सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने साथ साथ औरों को भी इस चीज पे करें। और आपने बिगेस्ट फेलियर का पूछा, वो ये है कि सम टाइम पहले मेरे अंदर था कि मैं एकदम से हाइपर हो जाती थी अपनी नापसंदीदा बात पे या किसी की तनकीद पे, ये वो एज के साथ साथ ऐसे लगता है कि अब वो एक ठहराव साथ आ जाए। प्राउड तब फील करती हूँ जब मेरे जरिए अल्लाह ताला किसी की मुश्किल हल कर पाता है। हमने कभी सुना था कि कोई गुलाम आजाद करवाए जाते हैं या कुरान पाक के तर्जमाने इस तरह से पढ़ा करते थे, अरब में ऐसे होता था ये, तो मुझे किसी ने 1 लाख किसी भी फंडिंग की स्कूल के लिए, और एकदम से मैंने देखा कि कोई 70,000 में बिका हुआ था इंसान। तो बस अल्लाह ताला ने मेरे जरिए इस तरह से की कि वो मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च पहले करवाई अपने PM के जरिए, और मैंने उससे देखा भी नहीं लेकिन उसके 70,000 मैंने पे कर दिए, और फिर जिसने मुझे फंड दिया था मैं उसके पास वापस गई
मैंने कहा आपने मुझे दिया कंस्ट्रक्शन के लिए था लेकिन मैंने ये काम किया. तो उसने कहा वो काफ़ी इमोशनल हो गई, वो डॉक्टर थी. उसने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, हमें कोई एतराज़ नहीं. कि मुझे था कि मैंने अपने फंड का मिस यूज ना किया हो इस तरह से. तो फिर पूरा एक वीक में कह लें कि जैसे इंसान उससे एक नशे में सरशारी में या अल्लाह तूने मेरे से इतना बड़ा काम करवा लिया, उस वक्त प्राउड फील करते हैं. तो आज कहाँ खड़ी हूँ, खड़ी हूँ यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था तो यही मेरे नेबर रिलेटिव्स और ये सारे मेरी फैमिली को कहते थे ये खराब हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप लोगों ने आज़ाद कर दिया है ये वो. मैं लोगों से मिलती है, मैं मसलन एक टिपिकल बाजी थी जो सुबह पढ़ाती हैं, नमाज पढ़ाती हैं, अल्लाह अल्लाह फैसला. तो ऐसी लड़की जब बाहर निकलती है तो ये भट्टू से मिलेगी ये फिर एक. आज वही लोग अपनी बेटियाँ मेरे पास लेके आते हैं कि हम इन्होंने शौक पूरा करना है, घर फारग रह रहे थक गई हैं तो हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, इन्हें रखो सारा दिन यहाँ, या हमने इनकी शादी करनी है इन्हें कुछ सिखा दो. वही लोग जो पहले आज से 10 साल पहले इस किस्म की बातें करते थे आज अपनी बच्चियाँ मेरे हवाले करके जाते हैं. और मैं उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तू मुझे यहाँ तक ले आया बस. तो रोल ऑफ मॉडल पर काफ़ी लोगों ने बात कर दी है, रोल मॉडल जो है मोटिवेशन लेते हैं. और मैं आपको बताऊं कि हमारे ना देहात के लोग बहुत कैपेबल हैं, क्योंकि वो शहरी उसमें बनावटी जो लिबास है वो अपने ऊपर हम लोगों ने ओढ़ लिया है, लेकिन जो देहात में अभी भी वही लोग सादा दिल, सादा रूह, ज़ुबान पे वही बात, दिल पे वही बात, मोहल्ले में हर बंदे को जानते हैं, मिलते हैं, फोतगी होती है, खुशी खुशी का मौका होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देहातों के अंदर बहुत पोटेंशल है. हमारे शहर पाकिस्तान का 2% है या 3% है, कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोयटा छोटा सा बिल्कुल, पेशावर में भी थोड़ा सा रश ज़्यादा है, तो शहर 4-5 ही है, बाकी सारी दुनिया हमारी देहातों में रहती है. हमारी हमारे मुल्क की आइडेंटिटी लाहौर के अंदर जो लड़कियां ड्रेसेस पहन के घूम रही हैं वो हमारे मुल्क की आइडेंटिटी नहीं है. हमारे मुल्क की आइडेंटिटी मीडिया को नज़र ही नहीं आ रही. हमारे मुल्क के अंदर जो बच्चे हैं वो मीडिया को नज़र नहीं आ रहे. पोटेंशियल आप लोगों के पास बैठा हुआ है और हम लोग पोटेंशियल लाहौर में और पिंडी में ढूँढ रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं हमारे मुल्क में बेतहाशा पोटेंशियल है. आप काम करती रहेंगी, मैं आपको ये आपने कहा ना IUC और सेल्फ एट योर सैम 60s एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी. मैं इस तरह देखता हूं कि आपकी एक बिल्डिंग नहीं, इसी तरह की आप ही बिल्डिंग्स बना रही होंगी. पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इंस्टीट्यूट्स बने होंगे, हमारे मीटअप्स उस जगह पर फिज़िकली हो रहे होंगे, लोगों को बैठा के पढ़ा रहे होंगे इंशाल्लाह. अभी हमने देखें थोड़े से अरसे में इतना अचीव कर लिया, अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा दे दिया, तो आगे भी अल्लाह ताला नहीं देना और अल्लाह ताला की दाद दे देगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच साजिदा हैन, आपने टाइम निकाला. अच्छा अभी ना मैं इसके बाद अगले स्पीकर को लूँगा. हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर हैं अलीना, और अलीना के बाद ये जो ए वाले भाई हैं ना जो कमेंट्स किए जा रहे हैं नाम नहीं बता रहे, उसके बाद वो होंगे. अच्छा अलीना आवाज़ आ रही है? अलीना कैन यू हेयर मी? मेरे यहाँ से अटेंड करके ना चली गई कहीं, आसिम भाई नाराज ना हो जाए. अलीना यू देयर? आई थिंक वो बातचीत कर ली थी लेकिन उसका माइक काम नहीं कर रहा था. माइक इशू, माय माइक इज ब्लॉक्ड. एक सेकंड अलीना दोबारा अटेंड, मैं तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ. आस्क टू टर्न माइक ऑन. अपना माइक ऑन करो, दोबारा माइक ऑन करो, चल पड़ेगा. एक दफ़ा नीचे माइक का ना रेड कलर का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो, वो माइक ऑन हो जाएगा. नीचे रेड कलर का आस्क टू टर्न माइक ऑन मैं कर रहा हूँ इधर से. अच्छा ये अलीना है और एक गेस्ट हैं. अलीना आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? तुम्हारा माइक म्यूट हुआ हुआ है बस, और तो कोई मसला नहीं है.
चलें फिर आज का सेशन हम यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। तमाम स्पीकर्स ने बात कर ली है, अगर कोई स्पीकर बात करना चाहते, कोई बात नहीं अलीना, इंशाल्लाह हम वो भी परेशान हो गई कि पता नहीं चल नहीं रहा, एक सेकंड दोबारा ट्राई कर लेते हैं अलीना को। कासिम आपने मुझे नहीं लिया अभी तक ऑन बोर्ड? बिल्कुल सर, मैं अलीना अगर बात कर लेती है ना तो उसके बाद आपको लेता हूँ, अगर नहीं होता ना उसका माइक का इशू हल तो फिर आप बात कर लें सर। मैं तो वैसे काफी बात कर चुका हूँ, आई पार्टिसिपेट इन एवरी डिस्कशन प्रॉपर्ली, बट जस्ट जनरल सर मैं आई विल स्पीक माय हार्ट आउट एक्चुअली, यू आर वेरी डियर एंड नियर टू मी कासिम, बट आई विल स्पीक माय हार्ट आउट। बात करें सर, बात करें आप। अलीना को नहीं ले रहे ऑन बोर्ड? अलीना का ना सर अभी अब माइक भी ना चल रहा, तो वो फिर मेरे ख्याल से हम फिर। अच्छा पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाट ये जो ए भाई है, हु इज ए? ए चला गया ना, वो मेरे ख्याल से अली इमरान है, वो उसने नाम नहीं लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं है सर, आप बात करें सर। अच्छा जी सर। अच्छा अब जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ? The aim of my life, एक तो being you know being a professional, being a doctor. The aim of my life is to be a good doctor, a successful doctor professionally. And along with that, I will add I want to be a good Muslim. If I would be a good Muslim, मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छा मुसलमान बन जाते हैं तो आप एक अच्छे professional भी बन सकते हैं easily. Reason being के Islam आपको discipline सिखाता है, Islam आपको वक्त की पाबंदी सिखाता है, इस्लाम आपको तमाम वो चीज़ें जो आपको एक प्रोफेशनली फ्लरिश करने के लिए चाहिए, अपने आप को इनहांस, अपनी कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ सिखाता है। सो एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ गुड मुस्लिम एंड अ गुड डॉक्टर एंड टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। अच्छा, हु इज माई रोल मॉडल? बेसिकली माई रोल मॉडल इज डेफिनेटली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट प्रेजेंट डे सिनेरियो में मेरे लिए हर कोई वो रोल मॉडल है जो कि पॉजिटिविटी फैला रहा है, सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। नेगेटिविटी तो बहुत, नेगेटिव बातें लोग बहुत ज्यादा करते हैं और तनकीद पर है तनकीद, और अभी सोसाइटी में भी ये डिस्कशन हो चुकी है कि हम तनकीद ज्यादा करते हैं, तनकीद पर तनकीद, तो वो एवरीबडी हु इज पॉजिटिव राइट नाउ इन प्रेजेंट डे सिनेरियो, I maybe you can as the question is direct question, so I think for me it's Tayyip Erdogan. Present day role model is Tayyip Erdogan. ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने UN General Assembly में खड़े होके फलस्तीन के इशू को, कश्मीर के इशू को, और जहाँ जहाँ रोहिंग्या के मुसलमानों के बारे में उसने खिताब किया, एंड ही वॉज एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, हमारी आपस में डिस्कशन होती रहती है खासा हफ्ता, तो रोहिंग्या वॉज द ओनली हेड ऑफ स्टेट, मुस्लिम स्टेट, जिसने रोहिंग्या को विजिट किया, दैट वाज तैयब। सो माई रोल मॉडल इज तैयब अर्दोगान। वेयर डू यू सी इन योरसेल्फ इन योर 60s? ये तो अल्लाह ताला को ही पता है कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं, व्हेन आई वुड बी 60, बट आई विश कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन चुका हूँ, और एक अच्छा मुसलमान के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी की खिदमत भी कर चुका हूँ। मैं एक अच्छा हॉस्पिटल बना चुका हूँ, एक छोटा सा हॉस्पिटल बना चुका हूँ जो कि जहाँ पर अच्छी केयर हो, और गरीब लोगों की, और वो लोग जिनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूँ। एक क्रूड सी थॉट है, अभी नॉट कंप्लीटेड। व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? आई एम प्राउड ऑफ माय पेरेंट्स बेसिकली, जिन्होंने मेरी तरबियत की और अच्छी तरबियत की, और हमेशा मुझे राइचियस पाथ की तरफ गाइड किया। सो आई एम प्राउड ऑफ माय पेरेंट्स बेसिकली। मैं जो कुछ हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और आई ओ माय लाइफ टू माय फादर एंड माय मदर। What is the biggest failure? My biggest failure is up till now, my biggest failure is that I am not a good Muslim yet. Abhi tak main kabhi right, kabhi left,
आई एम स्पीकिंग माई हार्ट ऑफ सॉरी लोग प्लीज माइंड ना कीजिएगा, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी आगे जो पीछे, मतलब कहते हैं ना ये जस्ट लाइक अ स्पीडोमीटर, जिस तरह एक स्पीडोमीटर है गाड़ी का, उसी तरह ईमान का भी ना एक मीटर होता है, इंसान की लाइफ में ईमान का एक मीटर होता है. सो दैट मीटर समटाइम्स अप समटाइम्स समटाइम्स डाउन समटाइम्स बिल्कुल ही पीछे चले जाता है. सो आई थिंक माय बिगेस्ट फेलियर इज बीइंग अ गुड मुस्लिम एंड जो फॉलो करना चाहिए अहकामात को इस्लाम के. बिकॉज हमें क्यों फॉलो करना है, हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए कि हमारे नबी जो चाहते थे वो चाहते थे कि हम आखिरत में रुसवा ना हो, हमें रुसवाई ना देखनी पड़े और हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो. अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया ही मिले आखिरत ही मिले. तो हमें हमारी डायरेक्शन आखिरत की तरफ होनी चाहिए और जब आखिरत की तरफ डायरेक्शन होगी और इस्लाम को हम की रस्सी को हम थामे रखेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों मिलेंगे. आई नो वेयर आई स्टैंड टूडे, वेयर आई स्टैंड टूडे वो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी where I am right now, but I think there are lots of things to do. बहुत कुछ करने वाला भी रहता है. Sorry, मैं थोड़ा time ज़्यादा तो नहीं ले लिया इसका. Sir, मैं भी छोटा सा answer दे दूँ. मेरे भी क्या है, मेरा भी दिल कर रहा है. जी, आप you should also participate because आप. अच्छा, मेरा ना sir aim of life है जेरुसलम फतह करना है इंशाल्लाह. Role model नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. 60s के ऊपर ना जेरुसलम भी फतह किया होगा, पाकिस्तान में गूगल के ब्रांड्स होंगे, इंडिया में भी होंगे, अफगानिस्तान ईरान हर जगह. व्हाट आर यू प्राउड ऑफ राइट नाउ? आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनीबॉडी, नॉट इवन माय सेल्फ. व्हाट इज माय बिगेस्ट फेलियर? माय बिगेस्ट फेलियर वाज आई वाज एडमिटेड इन अ साइकाइट्री वार्ड फॉर 1 month बिकॉज आई रोट अ लेटर टू अ वेरी सीनियर ऑफिसर कि आई वॉन्ट टू डिलीवर अ खुतबा इन अ फ्राइडे मॉस्क और आई वॉन्टेड टू आस्क हिम के आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ सेंट्रल एक्सरसाइज फॉर एवरी बॉडी इन द सिटी एंड ही मेड मी एडमिटेड इन अ साइकाइट्री वार्ड. और आई नो वेयर आई स्टैंड टूडे. मैं अभी ज़ीरो पे हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ. ऑनेस्टली बॉम्ब्स गिर रहे हैं आगे पीछे और हुआ कुछ भी नहीं अभी तक, हमने कुछ भी नहीं किया. तो अपने देख के फ्यूचर और अपनी मंजिलें देख के आगे मुझे डर लगता है कि पता नहीं कितनी हिम्मत चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारी मदद करेगी इंशाल्लाह. तो हम इसी तरह अगर करते रहेंगे तो फिर भी अल्लाह ताला नहीं देना है, हमारी क्या वर्थ है. हम लोग फिर भी अल्लाह ताला को आजिज़ तो नहीं कर सकते, तो हम कोशिश कर सकते हैं. तो अगर किसी भाई का कोई सवाल जवाब नहीं है तो फिर मैं आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करना चाहता हूँ. अच्छा, एक्चुअली एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट के अंदर कि मुझे, मैं तो क्योंकि अभी बिल्कुल नया हूँ आपकी कम्युनिटी के अंदर, जो भी आप चल रहे हैं आपकी एफर्ट्स चल रही है, अल्लाह पाक आपकी एफर्ट्स के अंदर जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी सबके साथ फरमाए. हम भी आपका पार्ट है इंशाल्लाह, जहाँ तक हमसे हो सके बिल्कुल आपके साथ देंगे और देंगे इंशाल्लाह. तो हमारी कम्युनिटी जो है जो चल रही है रिगार्डिंग टू, हम टेक्नोलॉजी पे भी बात कर रहे हैं इसके अंदर. हम क्योंकि देखिए मैंने अपने बड़ों से सुना कि हम अगर सिर्फ दुनिया की चीज़ों की बात करें ना, हमें अगर अपने प्रोफेशन के अंदर इस्लाम को कोरिलेट करना नहीं आए तो हम सिर्फ अपने प्रोफेशन पे पढ़ेंगे. ये सबसे बड़ी दुनिया की इलामत है. मुझे अपने प्रोफेशन को कोरिलेट करना आना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन ये है और उसके साथ इस्लाम की कोरिलेशन ये है. क्योंकि कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करना मना नहीं है, लेकिन उस प्रोफेशन के अंदर मुझसे इस्लाम क्या तकाजा करता है मैंने ये देखा. तो और फिर दूसरी बात ये है कि हम तादाद के मुकल्लफ नहीं है, हम तो प्योरिटी के मुकल्लफ हैं. फॉर एग्जांपल ये 10 लोग हम यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पे हम 10 लोग ये तय कर लें, ये इनिशिएटिव ले लें कि हम 10 लोग इंशाल्लाह, हमारा पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, चाहे वो स्टेप थाउजेंड्स ऑफ स्टेप पर क्यों ना मुश्तमिल हो, लेकिन अगर हम स्टेप ये तय कर लें, छोटा स्टेप ही तय कर लें कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है. ठीक है, कोई भी गोल हासिल करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि बगैर लगाम के चलते रहें. सेशंस
दर सेशंस सेशंस दर सेशंस का कोई मिलाज नहीं है। सेशंस दर सेशंस सेशंस दर सेशंस का कोई मिलाज नहीं है कि हम सिर्फ सेशंस करते रहें, हमें उसका कोई कोई आउटपुट मिलना चाहिए कि आज के सेशन से हमने ये किया, हमारा नेक्स्ट अचीवेबल टारगेट ये, तो हम किसी अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकेंगे और अपने किसी डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच सकेंगे। गोल हमारा बहुत क्लियर एंड क्लीन एंड क्रिस्टल होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के गोल क्लीन एंड क्रिस्टल नहीं होते तो वो कभी अचीवमेंट उन तक नहीं मिलती। आप दुनिया के अंदर जितनी भी मुसलमानों की तहरीकें हैं या जितने भी इस्लामिक एवोल्यूशन आई हैं रेवोल्यूशन हैं, तो अगर आप उनको देखें तो उनका गोल बड़ा क्लियर था, उनके गोल के अंदर दो नंबरी नहीं, दो नंबरी से मुराद ये कि वो आगे पीछे नहीं था कि पहले गोल ये था और अब ये था, गोल शुरू से एक था। उनकी मुखालफत भी हुई, लोगों ने उनको बहुत बहुत कुछ किया, गलत भी कहा, लेकिन वही लोग जो उन्हें गलत कह रहे थे बाद में वही लोग सही कहने वाले। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है कि आप 40 साल तक अपनी कौम के अंदर सादिक और अमीन के लाए, और 40 साल के बाद जो लोग आपको सादिक और अमीन जो आपकी बात को मानने वाले उनको एक पहाड़ी पर जमा करके कहने लगे कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आने वाला है जो तुम पे हमलावर होगा तो क्या तुम हमारी बात को मान लोगे? उन्होंने कहा मानेंगे नहीं, इधर उधर तस्लीम करेंगे माफ। तो फिर कहने लगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, हमेशा हमेशा की निकामे होंगे। तो वो अपने जो पहले दिन का जो गोल था ना, पहले दिन का जो ऑब्जेक्टिव था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन का ऑब्जेक्टिव भी वही था कि मेरा एक एक बंदा एक एक उम्मती जहन्नम की आग से बचकर कहाँ चले जाए, जन्नत में जाए, कामयाबी हो जाए, दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब। तो जब ऑब्जेक्टिव क्लियर था तो फिर आपके कंपेनियंस बढ़ते रहे और फिर आपने देखा कि हालात क्या है, और वो कोई पूरी जिंदगी जिसको हम इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे भी और हम पढ़ते भी रहेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे गोल्स क्लियर हों और हम अपनी चीज़ों को स्टेप में तोड़ दें कि पहला स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये काम चलता रहेगा और आने वाले 50 साल में भी कुछ नहीं होगा। ये मेरी लास्ट बात। थैंक यू ऑल मेंबर्स। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बुरी बातें लगी हैं अभी आप। थैंक यू सलमान, इट वाज अ गुड पार्टिसिपेशन। सॉरी कासिम, सलमान इट वाज अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन एंड आई थिंक वी शेयर द सेम आईडिया, मी कासिम एंड सलमान वी ऑल शेयर द सेम कांसेप्ट अबाउट लाइफ। इस्लाम इज कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द कोड ऑफ लाइफ। हम ये बार बार जो कहते हैं कि इस्लाम ज़ाब्ता है, रात है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कुरान तर्जुमे से पढ़ लें प्लीज, मेरी don't consider me as a maulvi, ये मौलवी वाला comment नहीं है, but अगर इस्लाम आप कुरान को तर्जुमे से पढ़े तो आपको एक एक स्टेप पे पता चलता है कि ये इस्लाम, अल्लाह ताला ने हर चीज को कवर किया, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी आपस के फ्रेंडशिप्स को, हमारे बिजनेस को, हमारे डे नाइट के जो हमारे इवेंट्स हैं उनको, पूरी लाइफ को कवर किया हुआ कुरान में उसके तर्जुमे में। और अगर हम तफसीर पढ़ें कुरान की तफसीर में चाहें तो प्लीज डू रीड कुरान विद तर्जुमा। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, थोड़ा सा टाइम निकालें, एक रकू दो रकू जितना भी हो सके, प्लीज डू रीड। सिर्फ पढ़े नहीं, उस पर अमल भी करें, ये पूरी बात होगी। उस पर अमल देखिए सलमान, इनिशियली पढ़ेंगे तो अमल करेंगे ना, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप, एक बेबी स्टेप तो लेना। Majority of the people haven't, including myself, I consider myself also, कि मैं I've started reading Quran with tarjuma for the last probably 6 months, 6 महीने पहले completely शुरू किया। तो पहला step तो लेना, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, और फिर definitely अमल करें। इस्लाम तो मजहब ही, practical मजहब। Thank you. Sir बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, आपने सर इतनी ज़बरदस्त थॉट्स अपने साथ शेयर की। सलमान भाई आपका भी एक्सपीरियंस और आपने जो कोई अभी तक हर्डल्स देखे हैं, साजदा बहन ने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ देखी है, सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है। इस सेशन का मकसद ये है कि अगर हम डाउन फील कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हर बंदे की लाइफ मुश्किल है, तो गिव अप नहीं करना। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ये वाला इवेंट अटेंड करना है। सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अपना कोई गोल सेट करें अपनी मर्ज़ी का और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, गिव अप ना करें।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको लाजमी कामयाब करेगी। हम इधर ही हैं, आपको किसी तरह कोई फ्लायर रिक्वायर्ड है, कोई वेबसाइट रिक्वायर्ड है, कोई मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, हम आपको बना के देंगे इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, पैसे नहीं लेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, हाजिर हैं। तो आपने लाजमी अपने गोल सेट करने हैं और अपने अपने गोल्स को परसू करना है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसान बनने, सच बोलेंगे, ऑटोमेटिकली कामयाबी मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आगे दोबारा कोई सेशन होगा। तो मैं यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह हाफिज़ बोल दें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर हम अपना सेशन यहाँ पर क्लोज कर देंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू कासिम फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, टू स्पीक माय हार्ट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, Kasim bhai. Thank you, Professor. Thank you, Sham bhai. थैंक यू सो मच सलमान भाई। तो ठीक है भाई, हम अपना इवेंट यहाँ पर क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़ हो गया सदफ़ की तरफ से, साजदा की तरफ से, सलमान भाई की तरफ से, सर उस्मान की तरफ से, अदीम की तरफ से, हाशिम का माइक ख़राब हुआ हुआ है तो मेरा भाई उसकी तरफ से भी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अलीना की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़ भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा, अगर कोई इवेंट होता तो मैं आप लोगों को लाजमी रिमाइंड करूँ। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।